अदरवाइज जो बहुत ही रेप्यूटेड है. इट्स स्पेशली नोन फॉर इट्स कम्फर्ट. एज फार एज द ब्रांड गोज, इंडिया में पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो जनता है वो ऑलरेडी काफ़ी फेमिलियर इस ब्रांड से है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ क्लास अपार्ट व्हेन इट कम्स टू कम्फर्ट. दे डू रियली रियली गुड शूज, लाइक दे मेक रियली कम्फर्टेबल शूज. I think it's very exciting here that we are a part of launching the first store in India. Bahut hi mazedar saman hota hai inka. They've got very good styles, very good colors and very comfortable to wear. Jab bhi bahar jaate hai to leke aate the hamesha, but I think now we'll be able to shop here. And humne dekha bahut hi dhyan se aap log sare cheezon ko dhyan se dekh rahe hain. Aap bataiye kya kuch pasand kiya aur क्या कुछ आप लोग प्रमोशन चल रहा है ना, तो हम कपड़ों के साथ मैच कर रहे थे कि कौन सा क्या अच्छा लगेगा. बट जेन्यूनली इनका कलेक्शन, जो यूएस में इनका कलेक्शन होता है ना, उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इधर आया है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने ना काफ़ी जूते ऐसे बनाए हैं जो इंडियन फॉर्मल्स वगैरह के साथ चलेंगे. सो आई थिंक ऑल्सो देयर कलेक्शन इज़ एनिमल फ्रेंडली. वो ज़्यादातर स्वेड यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर ऑब्वियसली, I think sare brands over a period of time are trying to become more conscious about animal abuse and the kind of materials they use. So I think that's something that's definitely commendable, kyunki jab aap apna naam ek brand ka bana lete ho, uske baad to go away and to make something different bahut difficult hota hai aur logon ko accept karna bahut difficult hota hai. Kya le jane wale hain? Kya kya le jane wale hain? Usko bolungi, tumhe bolu pehle. हाँ, किस तरीके की फैशन को आपने फॉलो करके अगर आपने किस तरीके की फैशन को जो कंफर्टेबल हो यार, जैसे जूते देखने में भी सुंदर हैं लेकिन कंफर्टेबल. पैन डाउन प्लीज. ये बहुत कंफर्टेबल भी हैं और कलर्स भी बहुत अच्छे हैं. सो कंफर्ट इज एक्चुअली द फर्स्ट थिंग एंड लुक इज द सेकंड थिंग. जैसे मैं अंदरूनी सुंदरता ज़्यादा देखता हूँ बाहर की सुंदरता. अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन लड़कियों के मामले में कम्फर्ट ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट, बट फॉर मी स्टाइल इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कितना स्टाइलिश लगता है, बिकॉज मुझे फिर भी शायद ठीक लग जाए, लेकिन जब हम रेड कार्पेट पे उतरते हैं, यू आर क्रिएटिंग अ स्टाइल स्टेटमेंट. देयर इज अ रीजन यू हैव अ फैन फॉलोइंग, दे वांट टू नो व्हाट यू आर वेयरिंग, दे वांट टू ना. रुक जा, शी इज जस्ट टेलिंग मी, शी इज सेइंग इसको इतना मत देखो, सामने देखो, सामने देखो, इतना मत देखो वरना. ओके, सो यस, क्योंकि हम मूवी देख चुके हैं यार. हाँ. इतनी मजेदार मूवी है यार. इट इज एक्चुअली अनीस सर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग. इट्स बहुत अच्छी पिक्चर है यार, प्लीज कम एंड वॉच इट. आई फिनिश्ड द फिल्म टुडे, तो हमने ना क्लाइमैक्स तक पूरी पिक्चर देख ली थी. आज हमने क्लाइमैक्स देखा है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फिल्म वी मेड. इट्स नॉट जस्ट द हैप्पीनेस एंड द एक्साइटमेंट, इट्स ऑल्सो प्राइड. It's also that people like, you know, I've always said that Pulkit and I represent the aam janta. We don't belong to the industry. Right. We've made our way into the industry. Right. So for me, who's grown up watching Welcome, No Entry, Welcome Back, to be able to work with an Anees Bazmi and to be able to work in a good film, it's a very big deal. I'm a very good Pagal Panti tak grow kar gayi thi. Ha yaar, warna band bacha rahi. With Houseful also, yes. Is it like a very good time? I'm glowing. I'm very happy. I'm very very happy. Yeah, she is the female Akshay Kumar. नहीं नहीं, ये सब मजाक कर रहे थे क्योंकि अक्षय मेरे को कह रहे थे जिस दिन, ये बहुत बड़ा मजाक था, वैसे मैं हूँ नहीं, बट 25th को जैसे हाउसफुल आ रही थी और 22 को पागलपंती का ट्रेलर आया था, तो वाइल वी वर प्रमोटिंग मैं फ़ोन पे थी, तो कहते क्या कर रही है. मैंने कहा सर पागलपंती का ट्रेलर आया, ट्वीट कर रही हूँ. तो उन्होंने मजाक में बोला तो मुझे कॉम्पिटिशन दे रही है क्या, मेरी पिक्चर में बैठी हुई दूसरी पिक्चर साथ प्रमोट कर रही है. एंड बट आफ्टर दैट डे माई एंटायर हाउसफुल टीम इन एवरी इंटरव्यू हैव मेंशन पागलपंती. आई थॉट दैट इज अ वेरी स्वीट जेस्चर. क्या क्या लेके जाने वाले हैं यहाँ से? आवाज़ नहीं आ रही. अच्छा लुक सेंटर, ये चेहरे से नजर नहीं हट रही, क्या करूं? हाँ तो आज क्या क्या लेके जाने वाले हैं यहाँ से, क्या क्या लेके जाने वाले हैं यहाँ से? आई थिंक उनका जो कलेक्शन है स्पेशली जूतों का, दैट्स व्हाट दे आर नोन फॉर. आई एम गोना टेक द नॉन लेदर वंस फॉर श्योर. या या 100% वो बहुत इंटरेस्टिंग है, द स्वेड वंस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इनके वॉचेस का कलेक्शन फॉर मेन, it's extremely hot, bahut hi cool watches hain and they're very affordable. Even the Pride collection is very cool. Yeah, the Pride, they got very good stuff for Pride as well. It's very subtle, very very, very still nice in your face. It's very yeah, very tastefully done stuff. Thank you,